सिद्धार्थगंज अनुग्रह आश्रम में देश में अमन चैन शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। अनुग्रह आश्रम के फादर ने बताया कि 25 दिसंबर ईसा मसीहा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सुबह से ही प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं और दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही बताया कि आज क्रिसमस के शुभ अवसर पर सिद्धार्थगंज के लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं। क्रिसमस के इस आयोजन में लगभग रात को भी करीब 1500 लोग थे, अभी भी लगभग 1000 लोग हैं कि यहाँ पर सुबह से आयोजित प्रार्थना चली है। अब प्रार्थना चलने के बाद अभी बच्चों ने कुछ मनोरंजन कार्यक्रम बनाया है, वो मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद सबके लिए प्रीत भोज है। यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, ये सभी क्रिश्चियन नहीं हैं, यहाँ हिंदू भी हैं और सिख भी हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर यहाँ रोज़ाना जो है 24 घंटे की प्रार्थना चलती है। बहुत सारे बीमार, दुखी, लाचार, परेशान या नशे से संबंधित लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं और अपने जीवन में सुधार पाते हैं और उसके बाद अपने घरों में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये लगातार इस आश्रम में जो है प्रभु यीशु की प्रार्थना चलती रहती है। हम लोग देश के लिए मुख्य रूप से प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आया कि स्वर्गदूत नीचे उतरे थे और उन लोगों ने कहा स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले। हम हमेशा जो है यहाँ पर रोजाना हमारे देश के लिए हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी अधिकारी और नेताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में शांति हो, भाईचारा हो, एकता हो, ऊंच नीच की भेदभाव सब मिट जाएं, हम सब एक बनकर मानव जाति के रूप में एक साथ जिए, यही यहाँ कामना की जाती है, यही संदेश लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। यीशु शांति दे। आज हम लोगों ने देश के लिए प्रार्थना करा, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करा, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे सारे कैबिनेट के लिए, साथ साथ हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे फौज के तीनों विंग के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करा। हमारे शासन प्रशासन और हमारे सारे कोर्ट कचहरी में हमारे न्यायालय के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करा, क्योंकि दुनिया में हम सभी लोग शांति प्रिय बन कर दिए। हमारा देश में सदा शांति के लिए ही समाज चलता रहा, चाहे अशोक के ज़माने में हो या उसके बाद में भी, चाहे धार्मिक नेताओं ने भी शांति स्थापित करने के लिए कोशिश की। आज भी यीशु की शांति हमारे समाज में, हमारे देश में फैलती जाए, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी प्रार्थना है। आप सबों को जो दर्शक हैं सभी लोगों को प्रभु यीशु के जन्म की शुभकामनाएँ। हैप्पी क्रिसमस, प्रभु यीशु का आशीर्वाद आप सबों के।